पिछला साल हवाई यात्रा करने वालों के लिए सबसे सेफ रहा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA ने बताया कि पिछले साल पैसेंजर फ्लाइट्स में मैसिव इंक्रीज के बाद भी ये सेफेस्ट ईयर रहा, जिसमें पूरे साल में केवल एक फैटल एक्सीडेंट हुआ जिसमें पैसेंजर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये एक्सीडेंट नेपाल की येती एयरलाइंस की एक डोमेस्टिक फ्लाइट का था जिसमें 72 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके अलावा साल 2023 में कुल 29 एक्सीडेंट हुए, हालांकि इसमें किसी भी पैसेंजर्स को अपनी जान का नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि साल 2022 में IATA के अनुसार 42 एक्सीडेंट हुए थे जिसमें 5 घातक एक्सीडेंट हुए जिसमें कुल 158 पैसेंजर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। बता दें कि IATA के डेटा में सिर्फ कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स को ही शामिल किया गया है, इसमें बिजनेस, मिलिट्री, प्राइवेट, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग फ्लाइट्स को शामिल नहीं किया गया है। एक्सीडेंट का आंकड़ा पैसेंजर फ्लाइट्स की संख्या में 17% की तेजी आने के बाद भी कम ही रहा। ये बात कितनी वियर्ड है कि सबसे रिस्की ट्रांसपोर्ट में सबसे कम एक्सीडेंट हुए और रोड ट्रैवल जिसे सबसे सेफ माना जाता है उसमें हर साल देश में लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। क्या ये आम लोगों की लापरवाही है या पॉलिसी मेकर्स इसमें भी सुधार कर सकते हैं? आपके अनुसार हम कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं? इन ऑर्डर टू मेक रोड ट्रैवल सेफ, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स।